Hello students, good morning to everyone. It's me Priyanka Tyagi. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So yesterday I explained to you about the journal reform taken by the government to improve the agriculture sector in India. As we have studied in the chapter 1 that our country was stagnant and backward. So to improve the condition the government took various steps. Under the journal reform, government firstly provided loans from various sources to the farmer so that they can complete the financial need to buy the seeds and afford modern machinery. After helping financially, government improved irrigation facilities, constructed various multi-purpose projects, dams, ETC. Then government established organized market for farmers so that they can sell their produce at market easily but when all the farmer bring their produce at the market then availability of food grain increases due to which it tend to decrease in its prices farmers then get detested in producing more so here government supported farmer and announce minimum support price and buy the produce of farmer at the price higher than the market price when they are unable to sell it in the market so all in all the reform in the agriculture sector although increases the production and productivity and made india self sufficient but the quality of soil has been degraded and groundwater level has been lowered gdp share of agriculture has been decreased although people depending on it were same it was criticized by economists as it does not lead to increase in the workforce in secondary and tertiary sector so that all we studied lastly now आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ तो यू डू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950 टू 1990 सो so, इकोनॉमिक्स का कहना है अगर किसी भी पुअर नेशन या गरीब राष्ट्र का विकास करना है तो केवल गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही किया जा सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन कंपैरिज़न टू एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि हमने देखा है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते तो हैं, लेकिन मॉनसून के कारण पेस्ट अटैक के कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेस के कारण उन्हें उतना फायदा नहीं होता और हमेशा एक डर रहता है हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करता है किसी भी देश में मॉडर्नाइजेशन और देश की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए इस सेक्टर को डेवलप करना एक अच्छा ऑप्शन है इसीलिए जब फाइव ईयर प्लान्स बने तो उसमें इसको सबसे ज्यादा फोकस किया गया और जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ही डिवोटेड है हमने पहले चैप्टर में देखा था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक था कुछ ही वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ थी और जो थी भी वो जूट और कॉटन टेक्सटाइल ही थी ओनली दो बड़ी इंडस्ट्रीज थी आयरन एंड स्टील की दिट वॉज इन जमशेदपुर एंड कोलकाता इसके अलावा कोई भी और नहीं थी इंडस्ट्री यहाँ पे और अब अगर हमें अपने देश का विकास करना था डेवलपमेंट करना था तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस होना बहुत जरूरी था तो अब देखेंगे क्या क्या गवर्नमेंट ने किया बेसिकली इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए तो सबसे पहले हम रोल देखेंगे गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था पॉलिसी मेकर के लिए कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद पॉलिसी मेकर ने निष्कर्ष निकाला कि हमारी इकोनॉमी अभी उभर रही है विकास करना स्टार्ट कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो चलता है मार्केट फोर्सेस के आधार पे और इस टाइम मार्केट फोर्सेस और मार्केट साइज इतना नहीं था कि जो हम प्राइवेट को यहाँ पे स्टेब्लिश कर सके तो देखिए अब क्या क्या रोल गवर्नमेंट के रहे बेसिकली अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहली जो कमी रही हमारी इकोनॉमी में तो वो देखिए क्या रही और क्या उसमें गवर्नमेंट का रोल रहा तो लैक ऑफ कैपिटल टू तो अंडरटेक इन्वेस्टमेंट कैपिटल की कमी रही पैसे की पूंजी की कमी रही इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इंडस्ट्रियल वेंचर में जितना पैसा रिक्वायर्ड होता था उतना पैसा नहीं था इसीलिए गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी ही होगी तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स खोली तो पहला रोल गवर्नमेंट का ये रहा नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर चलो मान ले हम कि कुछ इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास पैसा था बट पैसा अपना कोई तभी लगाएगा ना जब प्रॉफिट होगा तो इंडिया में उस समय मार्केट इतना डेवलप नहीं था कि कोई इतना पैसा लगाए और उसे प्रॉफिट हो क्योंकि लोगों पे इतना पैसा नहीं था कि वो मार्केट में डिमांड रखें और मार्केट का साइज इस वजह से छोटा था था तो तो सीधे शब्दों में कहें तो कोई इंसेंटिव नहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए और वैसे भी प्राइवेट सेक्टर बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करती है जो कि अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय के हिसाब से इसीलिए यहाँ पर भी पीएसयू को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आना पड़ा या यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जरूरत हमें पड़ी तो दूसरा रोल ये रहा गवर्नमेंट सेक्टर का कि अगर जिनके पास पैसा था भी तो गवर्नमेंट को आना पड़ा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है और उस टाइम मार्केट का ऐसा कंडीशन नहीं था कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके तो इसीलिए उस टाइम गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने गोल्स ऑफ़ फाइव ईयर प्लान में देखा था कि जो फाइव ईयर प्लान होते हैं उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिनमें से कि इक्विटी भी एक गोल था इक्विटी यानी रिच और पुअर के गैप को कम करना और सबका विकास करना और समाज का भला करना जिसके पास है उससे लेके गरीब को देना ताकि समाज में समानता बनी रहे और समाज में इक्वालिटी तभी था था जब सेक्टर में हो तो इस तरीके से ने पूरी तरीके से से ने पूरी को किया जो कि जरूरी भी बनाई और साथ ही प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉलिसीज बनाई जिसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री ही रही लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का ही रहा तो आज के लिए इतना ही कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज 1956 तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं तो आज हमने समझा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमने समझा क्यों जरूरी है गवर्नमेंट का रोल तो हमने इसमें देखा कैपिटल की शॉर्टेज है प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर का आना जरूरी है दूसरे पॉइंट में हमने देखा प्राइवेट सेक्टर के पास अगर कैपिटल हो भी तो इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा एंड इंडिया का मार्केट साइज अभी इतना नहीं था कि वो प्रॉफिट इतना अर्न कर सके तो लैक ऑफ इंसेंटिव था उस समय इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर का आना वहां जरूरी था और तीसरा उस समय सोशल वेलफेयर की जरूरत थी इक्विटी के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो कि ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी कर सकती है सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल